लगा लगा जल्दी लगा गोभी। ओए अजर वीरे की हाल है? मैं टिक तू बता। अच्छा सुन आज के फंक्शन में डीजे एकदम रॉकिंग होना चाहिए। हाँ, और बेस्ट टू बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग ही बजाने। ओके थैंक यू बाय। अच्छा टप्पू, डीजे वाले से बात हो गई है, आज के फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग ही बजेगा। रोमांटिक सॉन्ग ही क्यों बजाने? अरे टप्पू, क्या सोच रहा है तू इतना? सोनू के बारे में। ये टप्पू, सोनू के बारे में क्या सोच रहा है तू? ओए टप्पू, सोनू के बारे में इतना मत सोच, तेरे जो दिल में है ना वो सीधा सीधा सोनू को जाके बोल दे। अरे नहीं गोगी, सोनू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मुझे सरप्राइज ही रखना है, और अगर मैंने सोनू से डायरेक्ट जाके बात की और दाव उल्टा पड़ गया तो? ये टप्पू को सोनू से क्या बात करनी है? फ्रेंड्स, मैंने सोनू से डायरेक्ट बात की और कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी। सोनू हाँ कहेगी ना कहेगी, टप्पू को बहुत टेंशन हो रहा है। टप्पू तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? सोनू तुझे ना बोल ही नहीं सकती। अरे टप्पू तू स्पेशल है, हीरो है हीरो। तू टेंशन मत ले, बिंदास बात कर। थैंक यू गोली, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सोनू अब तुझे सरप्राइज देने से टप्पू को कोई नहीं रोक सकता। आज वैलेंटाइन डे के फंक्शन में सोनू को सरप्राइज दूंगा। यस, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। चलो चलते चलो। थैंक यू मत बोला। सोनू ने बहुत सपोर्ट किया, इतना टेंशन मत ले। अरे देख क्या बोल रहा है, मुझे थैंक यू मत बोल प्लीज। अरे मैंने अच्छा नहीं लगता है। बोलो, ये टप्पू माधवी को निर्दोष लगता है? टप्पू तुम्हारा प्लान मैं समझ गया हूँ, अब मैं चुप नहीं बैठने वाला। क्या कहा था? सोनू को सरप्राइज देने से टप्पू को कोई नहीं रोक सकता? अरे मैं रोकूंगा तुम्हें। तुम्हारा प्लान में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अभी जाके जेठा से बात करके उसको वार्निंग देता हूँ और तुम्हारा ये फंक्शन ही कैंसिल करवा देता हूँ। जेठालाल ये बड़े इतना तेजी से जेठालाल के घर की तरफ क्यों जा रहा है? जरूर कुछ कांड हुआ है, मुझे जाके पता करना चाहिए, वरना अगर ये दोनों भिड़ गए तो बड़ा कांड होगा। जेठालाल ओ जेठालाल, क्या रे ये घबरता काय? घबरलो नाही मी, राग आलाय मला। आता गाउन टक, जो भी राग गाने की इच्छा हुई है वो गा। कौन सा राग गाना है? राग गैरवी। अरे गैरवी नहीं रे जेठालाल, भैरवी असतो। हाँ होगा, ऐक तो मी गा। अरे राग मराठी में राग मतलब गुस्सा, गुस्से में हूँ मैं। क्या हुआ भिड़े, क्यों गुस्से में? अरे मेहता साहब आप? हाँ मैं ऑफिस जा रहा था, अचानक मैंने देखा भिड़े बहुत तेजी से तुम्हारी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ रहा है, तो मुझे लगा भाई क्या बात है, जरा पता कर लूँ हुआ क्या है। अच्छा मतलब आप पंचायत करने आए? कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ भाई। मतलब आप इससे वकालत करने आए? तुम भी कैसी बातें कर रहे हो भिड़े, मैं तुम दोनों को समझाने आया हूँ। पर बात क्या है, वो जाने बिना क्या समझाएंगे आप? यार भाई जेठालाल वही तो जानने आए हो कि आखिर क्या हुआ है जिसकी वजह से भिड़े इतनी तेजी से आया है। क्या हो सकता है मेहता साहब, गोकुलधाम सोसाइटी में मेरी परेशानी का एक ही कारण है, गड़ा परिवार। गड़ा परिवार? बापू जी ने क्या बिगाड़ा तेरा? इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो तुमने और टप्पू ने भिड़े का कुछ बिगाड़ा है? भाई मेरे हिसाब से तो मैंने या टप्पू ने किसी ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसके बाल अपने आप ही उड़े हैं। अरे मेरे बालों को छोड़ो जेठालाल, अपने बाल गोपाल को संभालो, मेरी परेशानी का एक ही कारण है, तुम्हारा सपूत टप्पू। अच्छा तुम टप्पू के बारे में बात करने आए हो? अच्छा फिर बात करो, मैं ऑफिस चलता हूँ। ऑफिस जा रहे? हाँ तो मैं भी दुकान के लिए निकल ही रहा हूँ, तो मैं आपको छोड़ते हुए चला जाता हूँ। ठीक है, चल भिड़े। चल भिड़े क्या चल भिड़े, मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ, तुम मेरे घर पे नहीं आया हो। आओ इधर आओ।
तुमसे बात करने के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। अरे ये जा रहे हैं ना भाई, रोज लगभग मैं ही उनको ऑफिस छोड़ता हूँ ना, अब आज यहाँ घर तक आए और मैं अकेला निकल जाऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा ना इसके लिए। मेहता साहब आप भी रुक जाइए। अरे भाई मैं रुक के क्या करूंगा भिड़े, तुम टप्पू की शिकायत करना है उसमें मेरा क्या काम है। अच्छा मतलब टप्पू अभी आपका कुछ नहीं लगता है? अरे बोल दो ना, इतना से बोल बोलो। अच्छा भाई भिड़े बोलो क्या प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम ये है मेहता साहब। अरे मुझे क्या बोल रहे हो भाई, उसे बोलो टप्पू उसका बेटा है। लेकिन इसे क्या बोलूं मैं, घर में आते ही तो भौं करता है, सीरियस ही नहीं है बिल्कुल। जेठालाल सीरियस हो थोड़ा। ठीक बोलो। ये किस टाइप का सीरियस है ये? जेठालाल तुम्हारे टप्पू ने आज क्लब हाउस में एक सरप्राइज फंक्शन का आयोजन किया है। हाँ बोला उसने मुझे, वो वैलेंटाइन का फंक्शन रखा है ना, तभी क्या प्रॉब्लम क्या? अच्छा उसने परमिशन नहीं लिए तेरी? नहीं परमिशन तो लिए है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फंक्शन तो सिर्फ एक बहाना है टप्पू का, असली प्लान तो। अरे मैं कैसे मेरी सुनू की बात जेठालाल और मेहता साहब से करूं, कि टप्पू का क्या प्लान है? इस पे तो मेरी बेटी के नाम की ही चर्चा होगी। नहीं नहीं मैं जेठालाल को इनडायरेक्टली बात करके टप्पू को रोकने के लिए कहता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि टप्पू कुछ भी ऐसा ना करे जिससे रिश्ते बिगड़ जाए। क्या वो भिड़े सरदर्द हो रहा है? तो तू एक काम कर, शांति से बैठ, मैं तेरे लिए सरदर्द की गोली लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं मुझे कोई सरदर्द नहीं हो रहा है जेठालाल। हाँ जेठालाल वो भिड़े चिंतन मनन कर रहा होगा इसलिए ऐसे उसने आते। ओ अच्छा अच्छा तो एक काम करना, शांति से जहाँ तेरी मर्जी बैठ और चिंतन मनन कर। मैं तो सब ऑफिस जाके आता हूँ, मैं दुकान जाके आता हूँ, फिर शाम को तू आराम से बताना। चल। अरे काय चल चल चलने का जेठालाल, मैं कोई चिंतन मनन नहीं कर रहा था, वो मैं शब्द ढूंढ रहा था, मतलब टप्पू का असली प्लान क्या है ये बताने के लिए। क्या है टप्पू का असली प्लान? ये है कि वो फंक्शन में आपला ते हे असतं ना ते बाप एक्चुअली किसी को बताया नहीं है कि क्या सरप्राइज है। मेरे ख्याल से वो सबका वक्त बिगाड़ना चाहता है, किसी को नहीं मालूम क्या है। हाँ तो वो तो मुझे भी नहीं बताया उसने, और सरप्राइज जो भी है वो तो फंक्शन में पता चल जाएगा ना भाई, टेंशन क्या ले रहा है उसमें। ठीक है रात को पता चल जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि टप्पू सेना की सरप्राइज अगर हमें अच्छी नहीं लगी और हमारा दिल दुखेगा तो? अरे नहीं यार भिड़े, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि टप्पू सेना के किसी सरप्राइज से हम लोगों का दिल दुखा हो? उनका सरप्राइज हमेशा बढ़िया ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप टप्पू की गारंटी लेते हैं कि सरप्राइज बेस्ट ही होगी, किसी का दिल नहीं दुखेगा? गारंटी की क्या बात है यार भिड़े, भाई टप्पू बहुत ही समझदार लड़का है, मुझे टप्पू पर पूरा भरोसा है। अब ये बात अलग है कि टप्पू नई जनरेशन का है, नए विचार है, अब इस नई पीढ़ी के नए विचारों से अगर तेरा दिल दुखे और तुझे कोई कष्ट पहुंचे तो इसकी गारंटी तो कौन ले सकता है भाई? नहीं नहीं बराबर, प्रॉब्लम यही है मेहता साहब, ये क्या है अपने जमाने में हमेशा रहता है ना भाई, अपने जमाने से बाहर निकल और आज के जमाने से अपनी टाल से अपना ताल से ताल मिला। पर क्या है दोस्त, ये वैलेंटाइन का जो उत्सव है वो तो प्यार फैलाने का उत्सव है। अरे कैसे समझाऊं मेरा प्रॉब्लम इसे? जेठालाल मान लो अगर टप्पू सेना जो भी सरप्राइज देने वाली होगी वो हमें अच्छी ना लगे, हम टप्पू सेना को वहीं के वहीं रोक दे तो खमका हंगामा खड़ा हो जाएगा ना, या तो टप्पू सेना को बुरा लगेगा या तो हमें बुरा लगेगा, खमका रिश्ते बिगड़ जाएंगे ना। मेहता साहब समझाइए ना इसे। अरे भाई भिड़े तुम समझो, मैं क्या समझाऊं जेठालाल को, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि टप्पू सेना की वजह से किसी के रिश्ते बिगड़े हो? कभी नहीं हुआ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है देखो टप्पू ने आज तक जितने भी सरप्राइज दिए हैं मैंने कभी कुछ नहीं कहा, मैंने एक्सेप्ट ही किया ना हमेशा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार टप्पू गड़बड़ करने वाला है। जेठालाल तुम टप्पू को फंक्शन कैंसिल करने के लिए कह दो। फंक्शन कैंसिल? अरे क्या वेड़ा बेड़ा चला इसके? अरे मेहता साहब आप कहिए ना जेठालाल को कि वो टप्पू सेना की प्रोग्राम कैंसिल कर दे। यार भिड़े
किस लिए प्रोग्राम कैंसिल करते हैं? क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। बिना किसी ठोस वजह के प्रोग्राम कैंसिल करने का कैसे कहा जा सकता है भाई? हाँ, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अच्छा चल, तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, एक काम करते हैं, हम लोग सब फंक्शन में जाते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई उसी वक्त फंक्शन कैंसिल, बस। ये काय मानूस ते काय, हां गड़बड़ होने के बाद फंक्शन कैंसिल करने की बात कर रहे हो तुम? अरे भाई, तो तू भी तो अंदाजा ही लगा रहा है ना कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। जेठालाल, ये गंभीर मामला है, सीरियस हो जाओ। सीरियस जेठालाल? जेठालाल यार, तुम टप्पू को बोलो कि प्रोग्राम कैंसिल करे। नहीं भाई, नहीं, मैं टप्पू को यह नहीं बोल सकता, सॉरी। क्यों? अरे क्यों क्या भाई, टप्पू अभी बड़ा हो गया, छोटा बच्चा नहीं रहा कि मैं उसको डांट के एक बाजू पर बैठा दूं कि बेटा चलो कोई फंक्शन नहीं करना, बैठ जाओ एक बाजू। हाँ भिड़े, जेठाल की बात तो सही है, टप्पू बड़ा हो गया, अब ये नहीं कहा जा सकता। अच्छा, मेरे पास एक सुझाव है, हम ये काम कर सकते हैं कि जेठालाल टप्पू को फोन करे और फोन करके ये पूछ ले कि भाई आज के शाम के कार्यक्रम में सरप्राइज क्या है, और अगर टप्पू वो सरप्राइज बता दे तो फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, बराबर है, बराबर है। अगर मैं सरप्राइज जान जाता हूँ कि क्या है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करो फोन, करो जेठा, लगाओ लगाओ फोन, लगाओ फोन, लगाओ, तसल्ली हो जाएगी भाई। हाँ, केला केला स्पीकर वर केला। हाँ बोलिए पापा। हाँ बेटा, कैसा है? बेटा, फंक्शन की सब तैयारी कैसी चल रही है? पापा, तैयारी एकदम सुपर्ब चल रही है। ओके, एक मिनट बेटा, एक मिनट। खास तो मैंने ये जानने के लिए फोन किया है कि आज फंक्शन में सरप्राइज क्या है बेटा। पापा, आप शाम को फंक्शन में आ रहे हो ना? हाँ आ रहा हूँ ना। बस तो फिर शाम को पता चल जाएगा, ठीक है? हाँ मेरे लिए तो ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ क्या भिड़े अंकल भी खड़े हैं, उनके लिए ठीक नहीं है। उनको अभी एकदम जोर से सरप्राइज जानने की उत्कंठा आई है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि तू आज फंक्शन में कुछ गड़बड़ करने वाला है। पापा, भिड़े अंकल से कहिए कि बिल्कुल भी टेंशन ना ले, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे लेकिन सरप्राइज क्या है बताने में प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? अंकल, सरप्राइज क्या है वो सबको रात को क्लब हाउस में ही पता चलेगा। चल भिड़े अंकल। चल भिड़े अंकल। पापा, आज का फंक्शन टप्पू को लाइफ का बेस्ट और मेमोरेबल फंक्शन मनाना है, और आज का फंक्शन बहुत 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 ही स्पेशल है और टप्पू के दिल के बहुत ही करीब है। पापा, आज का दिन टप्पू को लाइफ का यादगार दिन मनाना है। बना बना बेटा बना, आज का फंक्शन लाइफ का बेस्ट फंक्शन बना, ठीक है? ओके, थैंक यू। चलिए टप्पू फोन रखता है, हमें फंक्शन की तैयारियां करनी है। बाय पापा, बाय भिड़े अंकल। अरे बेटा, यहाँ मेहता अंकल भी खड़े हैं। हाय मेहता अंकल, बाय। बाय बाय। बस सुना ना, खामखा टेंशन ले रहा है तू। अरे टेंशन में तो बेचारा टप्पू है, सुना नहीं उसने क्या कहा, उसको कैसे भी करके आज का फंक्शन ममरा जैसा बनाना है। ममरा जैसा? हाँ वो बोला ना, ममरा बेबल ऐसा कुछ। मेमोरेबल मतलब यादगार, भाई यादगार बनाना है। हाँ वही वही वही। फिर भी उसने सरप्राइज तो बताया नहीं ना। अरे भाई, सरप्राइज तो तूने भी मुझे नहीं बताया था, याद है? याद कर, वो अजय भाई काजोल बहन आने वाले थे, तभी पूरा दिन मैंने तुझे कितना पूछा, बताया था ना मुझे? केटालाल, खास मेहमान सरप्राइज है, ये बताया नहीं अब्दुल ने? कौन आ रहा है मेहमान भाई? मेहमान कौन है वो वही पता चलेगा। हा? ओके, नहीं नहीं, शाम को पता चल जाएगा, शाम को पता चल जाएगा, याद है ना? ठीक है, हो ना हो, लेकिन मेरी सिक्स सेंस मुझे कह रही है कि टप्पू आज के प्रोग्राम में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करने वाला है। मेहता साहब, मैं आपको बोल देता हूँ, आप जेठालाल और टप्पू दोनों को समझा देना कि टप्पू मेरे से या मेरे परिवार के साथ कोई मस्ती ना करे, सबके सामने मुझे शर्मिंदा ना करे। अगर टप्पू ने मेरे परिवार का दिल दुखाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा देना इसे। भिड़े को क्या हो गया? शिक्षक होके गुंडे की तरह धमकी दे के गया? हो जाता है जेठालाल कभी कभी, मुझे क्या लग रहा है कि भिड़े के मन में कुछ और है और कह कुछ और है, और वो जो कहना चाह रहा है वो कह नहीं पा रहा है। उसके मन में क्या है, किस वजह से चिंता में, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कई बार होता है।
आदमी जब टेंशन में होता है ना तो उसकी सोच भी बड़ी ऐसी हो जाती है, विपरीत हो जाती है, इस तरह की बातें करने लगता है। लेकिन तुम शांत रहना। नहीं, मैं तो शांति हूँ मेहता साहब, आप भीड़े को शांत रखना, क्योंकि अगर फंक्शन में उसने मुझे या टप्पू को कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देता हूँ आपको। मुझे क्या कह रहे हो भाई तुम जेठालाल ऐसे भाई? नहीं, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, समझा देना भीड़े को। कैसे समझाऊं भीड़े को, खुद टेंशन में होगा वो। क्या करूं जेठालाल तो जेठालाल, मेहता साहब भी मेरा प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। आज रात के फंक्शन में टप्पू मेरी सोनू को प्रपोज करेगा और ये मेरा प्रॉब्लम किसी को पता भी नहीं सकता। लेकिन कुछ भी हो जाए, आज के दिन किसी भी हालत में मुझे सोनू को टप्पू से दूर रखना ही होगा। कैसे कैसे कैसे? अरे भिड़े भाई, आप शकरम को क्यों मार रहे हो? नहीं, मार नहीं रहा हूं मैं, वो धूल जमी थी तो झटक रहा था। अभी तक कंपाउंड में हो, सब ठीक है ना? टेंशन में लग रहे हो? नहीं नहीं नहीं, भिड़े भाई एक बात कहो तो बुरा मत मानना, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कंपाउंड में टेंशन में देखा था। सब ठीक है ना? सब ठीक है अब्दुल, टेंशन मत लो, सब ठीक है। अच्छा, ये टप्पू सेना क्लब हाउस में है कि भाई बाहर गई है? हाँ, क्लब हाउस में ही है, सरप्राइज फंक्शन की तैयारी कर रही है। हाँ, फंक्शन की तैयारी कर रही है ना। हाँ, बरोबर बरोबर, चलो मैं चलता हूँ। ओके ओके। ये टप्पू की वैलेंटाइन डे की तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही है, क्या करूं जिससे मैं सोनू को टप्पू से दूर रख सकूं? देखो, हम लोग दोनों तो गाड़ी में पूना जा ही रहे, आप लोग हमारे साथ आ जाना और फिर खंडाला उतर जाना और फिर वैलेंटाइन डे मना के अपनी पुरानी यादों को ताजा कर लेना। यस, ये बेस्ट आइडिया है। खंडाला जाने का प्रोग्राम बनाता हूँ, पर सोनू माधवी मानेंगे? बोल दूंगा उनको कि शाम का फंक्शन शुरू उससे पहले आ जाएंगे तो जरूर मानेंगे। यस 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 यस, अब मेरा टेंशन दूर हो गया और टप्पू तुम्हारा प्लान फ्लॉप। अभी मस्त पैकी खंडाला के लिए टैक्सी बुक कर देता हूँ, मुंबई उठे खंडाला। जोड़े पैसे जाओ दे, हरकत नहीं, कंफर्म कंफर्म। यस, टैक्सी बुक हो गई। भिड़े को क्या हो गया? ऊपर अभी गुंडे की तरह धमकी दे रहा था और अभी देखो छोटे मुंडे की तरह नाच रहा। आओ जरा पूछते हैं माजरा क्या है, मुझे टेंशन देख के खुद ऐसे मस्ती में डोल रहा है। ठीक है, तुम पूछो, मैं ऑफिस चलता हूं। ठीक, जेठा ऑल द बेस्ट। क्यों? अभी तुमने भिड़े का व्यवहार देखा नहीं? ऊपर अभी गुंडों की भाषा में बोल रहा था, नीचे अभी नाच रहा है, लगता है उसका मानसिक संतुलन थोड़ा हिला हुआ है, इसलिए ऑल द बेस्ट। छोड़ो। नहीं नहीं, पूछो पूछो। चलो ना भाई। भाई दोस्तों, पल पल हर पल जिंदगी अपना रुख बदलती है, कभी गमों का अंधेरा तो कभी खुशियों की धूप खिलती है। देखे ना, हमारे भिड़े मास्टर जो कल तक टेंशन के मारे जासूस बने हुए थे, अभी खुशी के मारे डांसर बन गए हैं, क्योंकि उनके दिमाग में टप्पू के सरप्राइज को फ्लॉप करने का बड़ा गोल्डन आइडिया आ गया है, खंडाला जाने का। तो अगर भिड़े खंडाला चला गया तो टप्पू के सरप्राइज का क्या होगा? क्या टप्पू की सरप्राइज पार्टी हवा हो जाएगी? ऐसा तो टप्पू होने नहीं देगा, उन्हें रोकेगा जरूर। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या वो रुकते हैं, क्या वो खंडाला नहीं जाते। मुझे तो लगता है भिड़े का यह तीर बिल्कुल निशाने पे लगेगा और टप्पू और सोनू के अरमान घायल होंगे। और लाजमी है, ऐसी सिचुएशन यहाँ होगी तो हंगामा बहुत बड़ा होगा, और यहाँ जितना बड़ा हंगामा होगा आपके घरों में उतनी बड़ी हंसी होगी। बस सोचिए क्या होता है खंडाला का, क्या होता है सरप्राइज पार्टी का, सोचिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।